कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से लाखों लाख ग्रामवासी सज्जनों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और मजदूर भाइयों और बहनों की ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस अवसर पर हमारे 6 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्रीमान नीतीश कुमार जी, श्रीमान अशोक गहलोत साहब, श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, श्रीमान हेमंत सोरेन जी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक साहब के प्रतिनिधि श्रीमान प्रताप जैना जी, केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास मंत्रीगण और इस अभियान से जुड़े लाखों लाख भाइयों और बहनों का मैं हृदय से इस मौके पर इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं। आप सबके ध्यान में है कि हमारा देश और दुनिया कोरोना वायरस संकट के दौर में काफ़ी असुविधा का सामना कर रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जब लॉकडाउन घोषित हुआ उस समय भी प्रधानमंत्री जी के मन में गांव, गरीब, किसान और मजदूर ये प्राथमिकता पर रहे और उस समय 1,70,000 करोड़ का पैकेज देकर निश्चित रूप से जो समस्याएं उस समय उत्पन्न हो सकती थी मौलिक आवश्यकताओं की दृष्टि से, मौलिक सुविधाओं की दृष्टि से, वो न हो, इसमें निश्चित रूप से उस पैकेज के कारण पूरे देश भर में बहुत सुविधा हुई। और इसी प्रकार से जब 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने 20,00,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया उस समय भी मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ध्यान में आएगा कि एक तरफ आर्थिक व्यवस्था को बल देना यह मुख्य उद्देश्य पैकेज का था ही, लेकिन साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, रोजगार के अवसरों का सृजन का क्षेत्र हो, इन सब को समाहित करते हुए 20,00,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, उसका क्रियान्वयन राज्यों के साथ मिलकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अमिताभ, एक तरीके से वो मजदूर जो बेहद परेशान थे, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, अब एक योजना उन मजदूरों के लिए। हम सबको देखिए, ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देश भर जो श्रमिक लौटे हैं इन 116 जिलों में, 6 राज्यों में 116 जिले चुने गए थे जहां पर बहुत बैकवर्ड भी है, जहां श्रमिक मजदूर सबसे ज्यादा लौटे हैं, इनके लिए एक महत्वपूर्ण योजना है ताकि इन मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जा सके और उनके जीवन यापन के लिए पैसे मुहैया कराए जा सके। इसीलिए महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ हो रहा है और खासकर बिहार से खगड़िया जिले के तेलीहर गांव से उद्घाटन हो रहा है। 50,000 करोड़ की योजना है और उम्मीद की जा रही है कि इससे मजदूरों का फायदा होगा। अपनी आय वृद्धि को लेकर काम करने के लिए जाते थे। लेकिन अमिताभ, ये जो योजना है इसमें किस तरीके से योजना काम करेगी और ये जो मजदूर आए हैं इनको किस हद तक इसका फायदा मिल पाएगा? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था जिसमें जो भी मजदूर लौटे हैं उनसे राज्य सरकार को कहा था कि उनके उनके स्किल, किस स्किल में वो माहिर हैं, किस कौशल में वो माहिर हैं, उसको उसको चिन्हित किया जाए। तो उन सब के बाद महीने भर कम से कम काम चला है, उन जिलों को चिन्हित किया गया है जहाँ सबसे ज्यादा मजदूर आए हैं, उनके लिए रोजगार, उनके हिसाब से ये रोजगार मुहैया करवाना और जो गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं चल रही हैं जैसे मनरेगा हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, इन सब में सबको काम देकर हर रोज जो उनको दिहाड़ी पैसे मिला करते थे वो कम से कम पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे और मजदूरों को कम से कम अपने क्षेत्रों में जहाँ उनका गाँव है वहां पर उनके लाइवलीहुड यानी जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि जब तक ये कोरोना का संकट चल रहा है इन मजदूरों को कोई मुश्किल ना आए।
लेकिन अमिताभ, ये जो 6 राज्य चुने गए और इनके 116 जिले जो चुने, मतलब 6 जो ये जिले चुने गए, इसको किस तरीके से देखें? क्या ये आने वाले वक्त पर और बढ़ता हुआ भी नजर आएगा उस हिसाब से कि कहां पर और प्रवासी मजदूर हैं, किसको इसका फायदा आगे भविष्य में पहुंच सकता हो, 6 राज्यों के 116 जिले? देखो, मैं अब बता दूं, ये जितने भी आंकड़े हैं पूरे 1-2 महीने में जितने श्रमिक मजदूर लौटे हैं अपने अपने गाँव में, उनको जोड़कर बनाए गए हैं और राज्य सरकारों की भी खासी मदद से मदद दी गई है, जिसमें 2 चीजें चिन्हित की गई थी, किन जिलों में सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर लौटे हैं और किन जिलों में उनको जीवन यापन की मुश्किल हो रही है, क्योंकि गांव में हो सकता है कि कई श्रमिकों के पास खेत के लिए जमीन ना हो सकता है गाँव में उनके लिए मजदूरी की व्यवस्था न हो मनरेगा के तहत, तो ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सूची बनाई गई थी और उस सूची के तहत इन तमाम मजदूरों को कहा गया है। अब मजदूरों को चिन्हित करके इन 6 राज्यों में ही, ज्यादातर अगर माना जाए तो बिहार, यूपी और राजस्थान में काफी लोग लौटे हैं, उड़ीसा में काफी लोग लौटे हैं, तो 116 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पर इनकी जरूरत है। और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, जिसमें श्रमिकों के जीवन यापन का इंतजाम सरकार कर रही है सीधे तौर पर और उनको उनके खाते में पैसे जाएंगे। यानी उनके लिए अमिताभ रोजगार की व्यवस्था होगी, यानी ये पहले ही देखा गया कि कौन से मजदूर किस कला में माहिर हैं, उसी हिसाब से उनको चिन्हित किया गया और उसी हिसाब से ये रोजगार दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम, मैं बता दूं, जो विदेशों से भी है, हवाई अड्डों पर भी जो हमारे जो विदेश से श्रमिक लौट रहे थे, मिडिल ईस्ट से श्रमिक लौट रहे थे, वहां पर कौशल विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सबने वहां उनसे सबसे फॉर्म भरवाया है और ये कहा है कि आप जिस स्किल में वहां काम करते थे, जिस डिपार्टमेंट वहां काम करते थे, अपने स्किल के बारे में चिन्हित करें। इस तरह से एक बहुत बड़ा डेटा भारत सरकार के पास जमा होता चला गया था और जो जो श्रमिक लौटे थे उनको चिन्हित करने का काम राज्य सरकारों ने किया था। ये कार्यक्रम काफी 1-1.5 महीने के अर्से से चल रहा था, तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि श्रमिकों का जिस तरह से वापस आना, जिस तरह से प्रवासी मजदूर देश भर से वापस लौटे हैं, खासकर महाराष्ट्र से, गुजरात से, ये काफी बड़ा सरकार को भी चिंता में डाल दिया था और विपक्ष ने काफी सवाल भी उठाए थे। ऐसे में उनके जीवन यापन के लिए, उनके रोजगार के लिए सरकार ने ये जो कदम उठाया है काफी महत्वाकांक्षी योजना है, सीधे प्रधानमंत्री मोदी इसमें सीधे तौर से इन्वॉल्व। अमिताभ, बड़ी आम भाषा में लोगों के समझने के लिए, उन मजदूरों के समझने के लिए जरा बताइए कि इस योजना की बड़ी बातें क्या है? रोजगार अभियान, देखिए 4 बातें आप ध्यान रखना। एक तो 116 जिले हैं जो बहुत पिछड़े जिले भी माने जाते हैं और जहाँ पे श्रमिक मजदूर लौटे भी बहुत ज्यादा हैं, जिसमें बिहार यूपी के कई जिले हैं, उनका उनको उनके जीवन यापन की सुविधा दिलाना। दूसरा, ये 50,000 करोड़ की परियोजना है जो सीधे सीधे सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, इसकी शुरुआत बिहार से की जा रही है, तो बिहार से अगर इसकी शुरुआत की जा रही है, तिरियर गांव खगड़िया से, जो कि जिसमें नीतीश कुमार भी इस मौजूद होंगे, तो जाहिर तौर पर एक संदेश तो चुनावी भी जाता ही है कि बिहार में आने वाले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव भी है, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये तमाम चीजों को हम लोग जानकारी दे सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात है उन मजदूरों को उनके घर में, उनके गांव में रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना, ताकि उनका जीवन यापन ठीक से हो सके जब तक वो वापस अपने अपने इलाकों में लौटते नहीं जहां वो काम कर रहे हैं। अमिताभ, जो रोजगार की बात करें, जिसमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी होगी जो ये योजना सामने आ रही है, और इसमें किस हिसाब से कितने पैसे, क्या जो मजदूर जितना पहले कमा लिया करते थे उतना ही अब इस योजना के हिसाब से भी कमा लेंगे? राज्यों में जाने का अवसर, देखिए ये लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं, ये रोजगार की बात कर रहे हैं, यानी जो लौटे हैं हो सकता है उस हिसाब से उनकी सैलरी मैच ना करे, हो सकता है जो वहाँ वो काम कर रहे थे वो मैच न कर, लेकिन कम से कम एक बहुत बड़ा जरिया हो जाएगा उनके जीवन यापन का। यही सरकार की मंशा है और यही सरकार का लक्ष्य भी है, ताकि मजदूर जो लौटे हैं वो और ज्यादा कष्ट का शिकार न हो सके।